सरकार ने पिछले चुनाव में किसानों से उनकी कृषि से आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था। अब रबी और खरीफ में जो मूल्य अभी फसलों का मिल रहा है उसमें 50% अधिक किसानों को मूल्य मिलेगा। इस बारे में ग्राम सकतपुर के किसान श्री प्रकाश सिंह और ग्राम नानागंज ग्रांड के किसान ओम प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के किसानों के प्रति उठाए गए कदम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, साथ ही साथ किसानों की आमदनी बढ़ेगी जिससे किसान भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे। डीएससीएल श्रीराम शुगर मिल के अधिशासी निदेशक रोशन लाल टामका ने कहा कि गन्ना की फसल के क्षेत्र में वैज्ञानिकों द्वारा गन्ने की अधिक उत्पादन और शकरा वाली नई प्रजातियों को विकसित करने से किसानों की आमदनी उत्पादकता दोगुनी होने से बढ़ी है। इससे किसानों और मिल मालिकों को अधिक शक्कर का उत्पादन होने से लाभ हुआ है। अब पिछले वर्षों की तुलना में चीनी मिलें किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान अधिक त्वरित गति से कर पा रही हैं। खेती से किसानों की आमदनी बढ़ने से युवा किसानों का गांव से शहरों की ओर पलायन भी रुका है। ये दुगनी हुई है जी, जब की मोदी की सरकार आई है तब से ये दुगनी हो चुकी है। और हम जितनी भी फसल कर रहे हैं, अपनी बांसपति की फसल कर रहे हैं खेत में, ये सब लोग देखेंगे। धान हमारा फूल भी चुका है लेकिन आगे भी फूलने लग रहा है, बगैर फूले भी है, बहुत अच्छी धान खड़े हैं बांसपति की वैरायटी वाले। और जबकि मोदी की सरकार आई है, हम इसके ऊपर बहुत खुश हैं कि जो हमको चाहना नहीं थी धान की इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, उन्होंने धान की बढ़ोतरी बहुत अच्छी कर दी है, कीमत हो गई है कि हम उस पर बहुत खुश हैं। और जो हरदोई के अंदर गन्ने की फसल है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। और जो पहले खाद की दिक्कत आती थी, लाइनों में लग लग के खड़े होके हम खादों लेते थे, आज हमको बहुत आसानी से वो यूरिया मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है खाद आने में। मैं जो है खरीफ के जो है समर्थन मूल्य का उसको डेढ़ गुना किया गया है, जो कि बहुत किसान के लिए हितकारी है। अब जो है हमारी जो फसल है वो घाटे का सौदा नहीं रही है। जो हमारा जो किसान जो है अब नौकरी की तरफ भाग रहा था, वो अब वापस खेती किसानी की तरफ आने लगेगा, इससे हमारी आय दुगनी हो जाएगी।